देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दीघा बस डिपो, रात के लगभग 9 बजे मेरे पास एक हट्टा कट्टा सा आदमी आया और बोला, भाई साहब मेरा एक सामान है, क्या तुम उसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरा तो बस डिपो पर काम ही यही था, सवारियों के सामान को उनके घर तक पहुंचाना। तो मैंने उससे कहा, हाँ हाँ साहब क्यों नहीं, कहाँ जाना है, सामान कितना है आपका? इस पर उस आदमी ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है और सिर्फ एक ही बक्सा ले जाना है। इस पर मैंने उसे सामान के पास ले जाने को कहा तो वो बोला, सामान अभी आया नहीं है, वो रात वाली गाड़ी से आएगा, यहीं कोई 1:30 बजे के आसपास। ये सुनकर तो मैंने उसे साफ कह दिया कि इतनी रात को नहीं हो पाएगा, मगर जब उसने मजदूरी बताई तो मैं मान गया, भला 5,000 की मजदूरी को कौन मना करता है। मेरे हाँ बोलने के बाद उस आदमी ने कहा, देखो मैं तो जा रहा हूँ, पर ध्यान से वो बक्सा लेकर आ जाना, और हाँ रास्ते में भूलकर भी उसे कहीं रखना मत। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। इससे पहले मैं उससे इसकी वजह पूछता कि वो बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला गया। घर जाने से पहले उसने मुझे एक पर्ची थमाई थी जिस पर एड्रेस और उस आदमी को बताने के लिए एक नंबर था, जिसे बताकर मुझे उस आदमी से वो बक्सा लेना था। उस आदमी के जाने के बाद मैं बस डिपो पर ही उस बक्से के आने का वेट करने लगा जिसमें उसका वो बक्सा आने वाला था। और जब रात के 1:30 बजे तब जाकर एक बस आई और उसमें से सिर्फ एक ही आदमी अपने सिर पर बक्सा लिए उतरा और बस से उतरते ही अपने आसपास नजरें घुमाते हुए किसी को तलाशने लगा, जिससे मुझे लगा शायद ये वही आदमी है जो वो बक्सा लेकर आया है। लिहाजन मैं उसके पास गया और वो नंबर बताया जो मुझे उस आदमी ने दिया था। नंबर बताने के बाद उस आदमी ने अपने सर से वो बक्सा मेरे सर पर रखते हुए बोला, ये लीजिए भाई साहब, लेकिन हाँ इसे भूलकर भी कहीं रास्ते में मत रखना। और वो आदमी भी ये बोलकर वहाँ से चला गया और मैं भी बक्सा लिए उस पते पर निकल गया। मैं अभी कुछ दूर आया ही था कि मेरी चप्पल जो अपनी आखिरी वक्त पर चल रही थी वो चलते चलते टूट गई, जिस वजह से अब मुझे अपना पाँव घसीटते हुए चलना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो रास्ता नंगे पाँव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उस चप्पल को ठीक करवा के अभी भी महीना भर निकाला जा सकता था। मैं अभी अपना पाँव जमीन में घसीटते घसीटते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पाँव की दूसरी चप्पल भी टूट गई, जिस वजह से बक्सा नीचे रखते हुए मैं अपने आसपास कुछ ढूंढने लगा, कुछ ऐसा जिससे मैं अपनी चप्पल को जोड़ सकूं। आसपास नज़र दौड़ाने पर वहाँ मुझे एक मोटे से कपड़े का बड़ा लंबा टुकड़ा नजर आया और मैं उसकी मदद से अपनी चप्पल को फिर से काम चलाऊ बना लिया। चप्पल ठीक करने के बाद जब मैंने वापस से वो बक्सा उठाकर अपने सर पर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बक्सा पहले के मुकाबले अब काफ़ी भारी हो गया है, जिस वजह से मुझे आगे बढ़ने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी और जल्दी ही मेरी हालत पतली पड़ने लगी। साथ ही मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे सर में छेद करके मेरे सर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तभी फिर से एक बार वो बक्सा नीचे रखा और अपने सर पर हाथ फेरते हुए ये जांच करने लगा कि कहीं किसी तरह का कीड़ा सर पर आकर तो नहीं बैठ गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मुझे कुछ भी वैसा नहीं मिला तो मैंने बक्से को उठाते हुए वापस सर पर रखना चाहा, मगर अब वो बक्सा इतना भारी हो गया था कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर भी उसे उठा नहीं पा रहा था। तो दोस्तों क्या था इस बक्से में जो अचानक ही इतना भारी हो चला था, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।